फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता, यानी कि ब्रेकफास्ट रेसिपी है और बनाना इसे बहुत आसान है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये बढ़िया सी रेसिपी अपने घर पर किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोल में एक कप के करीब ले लिया है बेसन। बेसन को मैंने छान लिया है अच्छी तरह से। अब हम डालते हैं इसमें कुछ मसाले। तो मसालों में मैं ले रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, या आधा चम्मच के करीब नमक इसमें ऐड कीजिएगा। और आधा चम्मच के करीब ही मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून में इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, यानी कि टर्मरिक पाउडर। आधा चम्मच इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर। और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर देंगे, यानी कि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और बढ़िया सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो लीजिए, सभी चीज़ें हो गई हैं मिक्स। तो अब हमें बनाना है इसका बैटर, थिक बैटर बनाएंगे अभी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हमें मिक्स करना है ताकि सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो मैं मिक्स करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो लीजिए, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी एक चीज़ इसमें और ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। तो 2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो और टेस्टी बन जाए, थोड़ा और क्रिस्पी बन जाएगा। ये लीजिए। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप चावल का आटा डालना ही चाहते हैं तो थोड़े से चावल को मिक्सी में पीस लीजिए और उसे इसमें ऐड कर दीजिए। तो लीजिए, मिक्स हो गया चावल का आटा भी इसमें, और थोड़ा सा पानी में डालते हुए इस बैटर को थोड़ा पतला कर लेती हूँ। तो लीजिए, थोड़ा बैटर मैंने पानी डालकर थोड़ा पतला कर लिया है, यानी कि ज़्यादा पतला नहीं है, जिस तरह से हम पकौड़े बनाते हैं वही हमने बैटर रखा है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ वेजीज, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया कट करके ले लिया है। तो ऐड कर देते हैं इसमें और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, ट्राई जरूर कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। और फ्लेम ऑन करके मैंने पैन रख दिया है और डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल, बस ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल। और अब हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइस। तो आप वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कुछ सेकंड्स के लिए हमें इसे इसमें डिप करना है बैटर में। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, अच्छी तरह से इसके ऊपर सारा बैटर लग जाना चाहिए और जो वेजीज हैं वो भी लग जानी चाहिए। अगर नहीं लग रही तो इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दीजिएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब फ्राई करते हैं इसे। तो ऑयल हो गया गरम और डाल देते हैं इसे, और थोड़ा सा वेजीज इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, लुक भी अच्छा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, अलट पलट करते हुए हमें इस ब्रेड को सेकना है ताकि ये अच्छी तरह से गोल्डन कलर की हो जाए, यानी कि बेसन भी अच्छी तरह से पक जाए और हमारी वेजीज भी पक जाएं। तो 2-3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया लुक आ गया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुकी है। रखते हैं इसे प्लेट के ऊपर और इसी तरह से मैं बाकी की भी फ्राई कर लूँगी। ये लीजिए, तो 1 चम्मच ऑयल देखिए मैंने इसमें ऐड किया है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से ऊपर से वेजीज रख देंगे थोड़ी सी और इसे भी तैयार कर लेते हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो लीजिए, ये भी तैयार हो गई है, देखने में कितनी खूबसूरत है और खाने में तो वाकई बहुत लाजवाब बनी है। तो करते हैं इसे सर्व। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से अच्छी अच्छी सिंपल सिंपल ईजी ईजी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।